हाँ मी माझ्यासोबत काही विश्लेषक आहेत आणि ज्येष्ठ पत्रकार सुद्धा आहेत. प्रदीप कुमार मैत्रा माझ्यासोबत आहेत, मध्य भारतातले प्रसिद्ध पत्रकार आहेत आणि त्यांचं विश्लेषण हे जाणून घेऊया. तर दादा ये बताइए, जिस तरह से गुजरात में आज निकल आए हैं, क्या कहेंगे आप, क्या राय है आपकी इस पर? इसमें मुझे लगता है कांग्रेस का एक चांस था गुजरात में, जो 2017 के इलेक्शन में बहुत ज्यादा आया था, वो चांस समाव कांग्रेस ग्राब नहीं कर पाया. उसके पीछे ये कारण है कि इलेक्शन को जिस तरीके से बीजेपी सीरियसली लेता है, उनको लगता है कि इलेक्शन ये भी एक फुल टाइम वर्क है, उस तरीके से कांग्रेस ने नहीं लिया. अब अगर आप देखेंगे तो पूरा इलेक्शन में शायद मोदी जी कम से कम 35 रैलीज लिए हैं, मीटिंग्स लिए हैं, और अमित शाह भी मुझे लगता है करीब 50 मीटिंग रैलीज लिए हैं, और उसके साथ साथ नड्डा और कई लीडर्स वहाँ दौरा किए, मीटिंग्स लिए. उस प्रकार कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया. राहुल गांधी मुझे लगता है कि मुश्किल से 2 या 3 मीटिंग ले पाए हैं, और जो सीनियर कांग्रेस लीडर्स हैं वो सब के सब वहाँ दिखे नहीं. सब लोग भारत यात्रा में जुड़े रहे, इतना बड़ा इलेक्शन चल रहा था और मोदी के स्टेट का इलेक्शन था. मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसको सीरियसली लेना चाहिए था, जो उन्होंने लिया नहीं. उसके ऊपर देखिए कि हिमाचल में प्रियंका गांधी वहाँ कैंप किया, वो उनको भारत यात्रा में उनको आप कम देखिए, क्योंकि वो इलेक्शन में इतना बिजी रहा, शायद वो डिविडेंड उनको हिमाचल में मिला. अगर ऐसा अगर ये लोग गुजरात में करते तो शायद थोड़ा बहुत पिक्चर अलग रहता था. सर गुजरात में बीजेपी ने कम से कम 50% से ज़्यादा जो MLA थे उनके टिकट काटे थे, नए लोगों को चांस दिए, और कांग्रेस और बाकी पक्षों से भी लोग वहाँ पे आए, इसका फायदा कितना हुआ? और महाराष्ट्र में ये सवाल मैं बाद में लेता हूँ, और महाराष्ट्र में आज चुनाव होते हैं तो इस तरह से बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, मैं भी बोल रहा कि बीजेपी हर इलेक्शन को लाइटली लेता नहीं, शायद वही उसका USP है और सक्सेस स्टोरी. तो जिस तरीके से आपने कहा कि वहाँ 50 के ऊपर जो विधायक थे कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, नए लोगों को चांस दिया, वैसे बीजेपी भी किया, बीजेपी ने कई लोगों को टिकट नहीं दिया, नए लोगों को चांस दिया. यह एवरी इलेक्शन में होता है, ये पहली बार नहीं हो रहा है. सर अगर आज महाराष्ट्र में चुनाव होते, सुप्रीम कोर्ट में मामला है पूरा, महाराष्ट्र की सरकार स्थिर सरकार नहीं है ऐसा कहा जाता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा पता नहीं है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, देवेंद्र फडणवीस ये है नागपुर के DCM है, तो आज अगर चुनाव होता है तो गुजरात के चुनाव के पार्श्वभूमि में क्या लगता है आपको, क्या स्थिति है? इलेक्शन अगर होता है तो मुझे लगता है इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है कि क्या बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस, NCP, शिवसेना सब मिलकर लड़ेंगे क्या, तो वो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड है. अगर ऐसा होता है डेफिनेटली बीजेपी के लिए उतना आसान नहीं रहेगा. अगर मान लीजिए कि टिकट का ठीक से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता और सब अलग अलग लड़ते हैं तो शायद पिक्चर अलग रहेगा. वंचित किसके साथ जाता है या वो इंडिपेंडेंट लड़ेगा, वो भी अलग एक इशू है. तो मुझे लगता है कि इलेक्शन के समय जो परिस्थिति जो जिस तरीके से होता है उसके आधार पर ही बहुत कुछ होता है. वंचित मान लीजिए कि अगर जो बोल रहे हैं अभी शिवसेना के साथ जाएगा, उद्धव ठाकरे के साथ, मगर टिकट के बंटवारे में हमेशा उनका 11th आर में होता नहीं. तो मुझे लगता है कि वो पिक्चर तभी स्पष्ट होगा कि इक्वेशन किस तरीके से होता है, कि कौन किसके साथ रहेगा या सब लोग अलग अलग लड़ेगा, तो उसका आधार पर होगा. अगर सब लोग अलग अलग लड़ेगा तो बीजेपी के लिए फायदा होगा. प्रवीण, आम आदमी पार्टी जहाँ पर थी दिल्ली में थी, दिल्ली में उनको प्रवीण अगदी 2 मिनिटांसाठी थांबवते प्रवीण तुम्हाला मी आणि गौतम जोशी प्रतिनिधी गुजरात वरून आपल्या बरोबर जोडले गेलेले आहेत. गौतम जी, क्या नतीजे आ रहे हैं इस वक्त हाथ?